खबर रोहतास जिले के कोचस से है, जहां कोचस में अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के जुड़े सेविका एवं सहायिका ने भूख हड़ताल किया। आंदोलनकारियों ने कार्यालय के समक्ष जमकर के नारेबाजी की, साथ ही कार्यालय के मुख्य गेट के सामने धरना दिया। आंदोलन का नेतृत्व प्रखंड अध्यक्ष रेणु देवी के द्वारा किया गया। इस दौरान प्रखंड अध्यक्ष रेणु देवी ने कहा कि पूरे बिहार के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि हमारे 5 सूत्री मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और हड़ताल को खत्म करवाएं, नहीं तो तीखा संघर्ष किया जाएगा। आप लोग आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्या कहेंगे आप? हम अपनी मांगों के लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जो हमने की मांग है जो पूरी नहीं हो सकती, जब से हम लोग का हड़ताल जारी रहेगा। क्या मांगे हैं आप लोग? मांग हम लोग का है कि हम लोग को जो सरकारी कर्मचारी को दर्जा मिले, हम लोग को जो मानदेय मिल रहा है हम लोग को वेतन किया जाए, हम लोग का जो 6 घंटा 8 घंटा काम कराए जा रहे हैं, हम लोग का 2400 घंटा काम कराई जा रही है, वो हम लोग का केवल 6 घंटा काम कराया जाए। जो राज्य सरकार को हम लोग काम करते हैं वही हम लोग का काम कराया जाए। जो हम लोग मांग हम लोग लेकर बैठे हैं धरना प्रदर्शन के लिए, जो सरकार हम लोग को खटा रही है दिन या रातों भर खटा रही है, जो आता है वो 2400 घंटा खटा रही है सरकार, उसके वेतन हम लोग का अनुसार मानदेय नहीं सरकार दे रही है, इसीलिए हम लोग अपना मांग लेकर बैठे। कब तक हड़ताल चलेगा ये? जब तक से मेरी मांगे की पूरी नहीं हो सकती तब तक हड़ताल मेरा जारी रहे। क्या नाम है आपका? अनिश्चितकाल हड़ताल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेणु देवी, मैं अध्यक्ष पद पर हूँ।